तीसरा पार्ट है हमारा आठ छः सात व दो पाँच पाँच का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो बड़ा नंबर है वो ए हो जाएगा और जो छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आते हैं भाग करके देखते हैं बड़ा नंबर क्या है, आठ छः सात, उसे कितने से भाग करना है, दो पाँच पाँच से। तो कितनी बार भाग जाएगा, पच्चीस तिया क्या होता है, पिचहत्तर होता है, जो छियासी से छोटा है। तो तीन बार आ जाएगा, पच्चीस तिया पिचहत्तर, पाँच तिया पंद्रह, पाँच तिया पंद्रह सोलह, और दो तिया छः एक सात, सात सौ पैंसठ आ गया। सात में से पाँच गया दो, छः में से छः गया जीरो, आठ में से एक गया सात। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ा नंबर आठ छः सात, उसे किससे भाग दिया, दो पाँच पाँच, कितनी बार भाग गया, तीन बार, शेषफल कितना बचा, एक जीरो दो। अभी शेषफल जीरो नहीं आया है, तो हम इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं। तो एक सौ दो से हम दो पाँच पाँच को भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, एक सौ दो दूना दो सौ चार, कितना शेषफल बचा, पाँच में से चार गया एक, पाँच में से जीरो गया पाँच। तो उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिखते हैं, दो पाँच पाँच बी था वो ए बन गया, और जो आर था वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बी। कितनी बार भाग गया, दो बार भाग गया, तो शेषफल कितना आया, इक्यावन आया। अब इक्यावन से क्या करेंगे, हम 102 को भाग देंगे, 102 को भाग देने में कितनी बार आ गया, दो बार, 102 शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो क्या हो गया, जो बी था वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, 102 ए बन गया, और जो इक्यावन आर था शेषफल था वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो इक्यावन बी बन गया, कितनी बार आ गया, दो बार, शेषफल क्या बच गया, जीरो। जब शेषफल जीरो आ जाता है, जो जो बी होता है क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आज हमने प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न के तीनों पार्ट किए, कल हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरा प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।